नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 19 दिसंबर और जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक दिन हम गैप लेंगे और उसके बाद हम नियमित रूप से करंट अफेयर को जारी रखेंगे, तो हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं 19 दिसंबर के करंट अफेयर को लेकर। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा हम जिन जिन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, वो सारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप एक नजर इसको देख सकते हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे। उसके बाद आपको विस्तार से इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्रांड बैंड मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई। अब ये है क्या? तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड है और इससे 2022 तक सभी गांवों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जिसमें इंटरनेट की सुविधा सुचारू रूप से भारत के गांव-गांव तक पहुंच चुके। आजकल का जो जमाना है वो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तकनीक का जमाना है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी गांवों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना चल रही है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद कौन है? तो रविशंकर प्रसाद जो है यह दूरसंचार मंत्री है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, तो इन्हीं ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया और कहां से किया गया? तो इसका जो सफल परीक्षण है वो उड़ीसा से किया गया, चांदीपुर परीक्षण केंद्र है वहीं से इसका परीक्षण किया गया। और ये कहां से किया गया? तो उड़ीसा से किया गया, उड़ीसा में चांदीपुर से। कभी कभी आपको दे देगा कि इसका जो परीक्षण है वह चांदीपुर से किया गया है और उसके बाद आपको बताना रहता है कि चांदीपुर कहां अवस्थित है। पीपीएससी में इसी तरीके का क्वेश्चन आया था और उसमें चंद्रयान के बारे में था, उसमें सर श्रीहरिकोटा का जिक्र था लेकिन ये नहीं, ये पूछा गया था कि श्रीहरिकोटा कहां पर अवस्थित है। तो चांदीपुर से किया गया है, चांदीपुर ओडिशा में अवस्थित है। अब हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह मध्यम दूरी का है, मध्यम दूरी पर यह काम करता है। अब जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरा शब्द जो है वो दूसरा शब्द कौन है? तो दूसरा शब्द है मोस्कवा। दोनों नदी है, यह भारत की नदी है और यह रूस की नदी है, और ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा से मिलकर बना है ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मोस भारत के एक नदी के नाम पर और रशिया के एक नदी के नाम पर रखा गया है। अब इसकी जो स्पीड है वो क्या है? तो ध्वनि से 2.9 किलोमीटर, 2.9 गुना ज्यादा तेज है और यह एक सेकेंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद इसका ब्रह्मोस का जो था वह पहली बार परीक्षण कब किया गया? तो 12 जून 2001 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। ठीक, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो पहले इसकी मारक क्षमता 290 थी, अब इसके मारक क्षमता को बढ़ाने पर काम चल रहा है और अब इसके मारक क्षमता को किया जाएगा 400 किलोमीटर। अब ये किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डीआरडीओ के बारे में हम कितनी दफा पढ़ा चुके हैं। तो डीआरडीओ के सौजन्य से इसका परीक्षण किया गया। कब किया गया? डेट भी लिख लीजिए, 17 दिसंबर को किया गया, 17 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें जो भारत का स्थान है वो है 112 स्थान पर भारत अवस्थित है। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है WEF। WEF का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था? तो इस रिपोर्ट जो पूरे जो
सूची तैयारी हुई है, इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें 153 देशों को शामिल किया गया था और 153 देशों की सूची में पहले स्थान पर जो देश दागिज रहा उस देश का नाम है आइसलैंड और भारत का तो हम आपको बता ही दिए 112 बार। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय महोत्सव तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया गया, ये क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन हुआ ग्वालियर में, यह शास्त्रीय संगीत से संबंधित सम्मेलन है, समारोह है और इसका जो आयोजन है वह प्रत्येक साल मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका मध्य प्रदेश में हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, 17 से लेकर 21 दिसंबर तक इसका आयोजन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण का आयोजन, सूर्य किरण क्या है, तो सूर्य किरण जो है वह भारत और नेपाल के बीच संचालित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। तो इसका आयोजन कहां किया गया, यही आपसे क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन हुआ नेपाल में, इसमें भारत और जो भारत और किसकी सेना, नेपाल की सेना के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ। अब नेपाल में जिस जगह पर हो रहा था उस जगह का नाम है रूपदेही, और रूपदेही में कब से कब तक हुआ, तो 3 से लेकर के 16 दिसंबर तक हुआ, 3 से 16 दिसंबर तक सूर्य किरण का आयोजन नेपाल के रूपदेही में किया गया, जिसमें भारत और नेपाल दोनों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया, तो ये पुरस्कार जो है वह मिला है पंडित विद्याधर को, पंडित विद्याधर को मिला, पंडित विद्याधर व्यास इनका पूरा नाम है, पंडित विद्याधर व्यास को मिला है। और इसके तहत इनको क्या मिलेगा, तो एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और 2 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया प्लस एक प्रशस्ति पत्र। अगला क्वेश्चन है, 850 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है कि ये 850 भारतीय शांति सैनिक कहां पर तैनात है जिनको सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पदक से, तो ये दक्षिण सूडान में तैनात है, दक्षिण सूडान में इनको तैनात किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक है शांति सेना से संबंधित उसका एक विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक काम करते हैं, जिसमें से 850 को भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। और इनको उनकी तैनाती कहाँ है, तो उनकी तैनाती है दक्षिणी सूडान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है प्रत्येक साल 18 दिसंबर को। और इसको मनाने का पहली बार फैसला किसके द्वारा लिया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और 1992 में यह फैसला हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कि हर प्रत्येक साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। अब भारत में कौन कौन सा ऐसा धर्म है जो अल्पसंख्यक है, तो उसमें है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये जितने जो धर्म है यह सब भारत में अल्पसंख्यक धर्म है, ये लोग अल्पसंख्यक है। मूडीज का जीडीपी वृद्धि अनुमान, मूडीज जो है जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और इसमें इसने भारत का जो जीडीपी है उसको घटाया है, और घटा करके कितना किया है, तो 4.9% किया है। अभी जो दौर है भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, एसबीआई ने भी भारत के जो भारत का जो जीडीपी है उसको कम किया है, उसके अलावे एडीबी ने भी कम किया है और मूडीज ने भी कम किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयुष्मान योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को, और इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की, प्रत्येक दिन आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, आज भी आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले दक्षिण सूडान की राजधानी का नाम बताना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो आपको बताना है चांदीपुर कहाँ अवस्थित है, और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है ब्रह्मोस किन 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों आपको इन 3 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही आप मन लगाकर पढ़ाई करें। अब आपका जो सफर है आप जो सोच रहे हैं BHU में आने का, तो धीरे धीरे वो समय आपके काफी करीब आ रहा है, इसलिए आप मेहनत करने में कोई कोताही ना करें। धन्यवाद।